दोस्तों, हमें विश्वास ही नहीं क्या फिर भी अफर्मेशन से रिजल्ट मिलेंगे। निसंदेह मिलेंगे, हालांकि थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन जब आप रिपीटेडली अफर्मेशन बोलते हो तो विश्वास होने लगता है। रिपीटेडली किस चीज़ को सुन रहे हो आप तो विश्वास होने लगता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट में हमें रिपीटेडली कोई चीज़ सुनाई जाती है, बार बार सुनाई जाती है, मैगी नूडल्स 2 मिनट में बनाएं और भूख मिटाएं, हजारों लाखों बार सुना। अब मैगी नूडल्स कहीं 2 मिनट में आज तक बने नहीं, ना बनते हैं, आपको भी पता है। लेकिन इस झूठ को इतनी बार दोहराया गया कि हमें ट्रस्ट आ जाता है, हमें वो इजी लगता है। 2 मिनट में मैगी नूडल्स अब कहाँ बनते हैं 2 मिनट में? पहले पानी गर्म करो, फिर पैकेट को खोलो, उसको तोड़ तोड़ के डालो, फिर उसको चलाते रहो, फिर वो जब सॉफ्ट हो जाए तब उतारो और खाओ। इतनी देर में चावल भी बन जाते हैं, कुछ भी बन जाता है। लेकिन एक झूठ को बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए तो वो सच बन जाता है। तो अगर आप अफर्मेशंस को बार बार सुनोगे, बार बार रिपीटेडली बोलते रहोगे, तो भले आपको विश्वास ना हो, मत रहने दो ना विश्वास, लेकिन आप सुन रहे हो ना बार बार, बार बार सुन रहे हो, बार बार सुन रहे हो, तो क्या होगा, ये अफर्मेशन सच में तब्दील होकर आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगे, गहरी पैठ बना लेंगे। झूठ और सच में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, यकीन मानो आप। हर वो झूठ सच बन जाता है जिसे बार बार दोहराया जाता है। और अगर बार बार नहीं दोहराया जाए तो उसका असर ही खत्म हो जाता है। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? वो सूचनाएं जिन्हें हम बार बार दोहराते रहते हैं मन में। क्या दोहराते रहते हैं? हमारा काम तो हो ही नहीं रहा, हमसे काम हो गई नहीं, हमारी तो किस्मत खराब है। बार बार दोहराए जा रहे, दोहराए जा रहे, दोहराए जा रहे, बरसों हो गए दोहराते दोहराते, तो क्या हो गया, आपने ही अपनी किस्मत को अपने आप खराब कर लिया। आप बोलते हो सच तो बोल रहे हैं, किस्मत खराब है तो क्या करें, कोई काम ही नहीं हो रहा तो क्या करें, सच तो है। अब इस सच को इतनी बार दोहराया बाय गॉड कि ये एकदम पत्थर की लकीर बन गया। काश कि आपने ऐसा बोला होता कि मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे सब काम अपने आप हो रहे हैं धीरे धीरे, मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हर दिन हर सुबह मेरे अंदर एक नई एनर्जी आती है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, लोग मेरी सहायता कर रहे हैं, ऐसी पॉजिटिव लाइन्स बोली होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो वो विश्वास भी नहीं ना परमिशन के ऊपर, तो भी आप इन्हें दोहराते जाओ, बोलते जाओ, तो सुनते जाओ, दोहराओ, बोलो, सुनो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये जो बातें अभी आपको झूठ लग रही ना, ये सच साबित होकर जब आपके सामने घटने लगेंगी तो आप शॉक्ड हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, अरे सोचने से ऐसा होता है, यकीन मानो ऐसा होता है, सोचने से ही सब कुछ होता है। आप जो सोच रहे हो वही होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो विश्वास नहीं है तो भी सुनते रहो, बोलते रहो, और वो सच हो जाएगा। अनबिलीवेबल चीज़ें मैंने अपने जीवन में अफर्मेशंस के थ्रू सच होते हुए देखी। आपको विश्वास हो या ना हो, शुरू तो करो, रिपीटेडली बोलना शुरू तो करो, 100% आपको विश्वास होने लगेगा। फिर आप दूसरों को समझाओगे, देखो विश्वास करो, फ़ायदा होगा। तो विश्वास करिएगा अफर्मेशन के ऊपर और उन्हें रिपीटेडली दोहराते रहिएगा, और इनसे पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आप करके तो देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियोस देखने के लिए अपना बेशकीमती समय देते हैं। मन और ध्यान आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।